उस टाइम ये चांदी के सिक्कों से खरीदा गया था और ये उनका दोनों लोगों का समाधि है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। एंड गाइज, मैं जो हूँ आज यहाँ लखनऊ में, अभी शाम के 6 बजे आ जाए और यहाँ अभी जाकर जो जो है मेन, जैसे बड़ा इमाम हमारा, छोटा इमाम हमारा, ये सब घूमेंगे, जो जो मेन पैलेस है जो बच गए थे। और फिर आज रात में यहाँ से हम लोग निकले प्रयागराज के लिए। तो मैं एंड आकाश एंड जो अमित आ रहा है, तो वो स्टेशन को ही अभी आ रहा है, मुंबई से आज आ गया है, तो उसको पिक वहाँ से घूम वहाँ यहाँ से रात को निकल जाएंगे प्रयागराज के लिए। तो गाइस, अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा प्लीज़ जाकर देखना और अच्छा लगे लाइक करना। सो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ 4 बजे के स्टेशन पे। सो क्या होते हैं सामने, सो यहीं पे आया हुआ है अमित और यहीं मिलेंगे उनसे। तो अभी देखते हैं कि कहाँ पे है वो एंड फिर उससे मिलते हैं। गाइस, आपको मिलाता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, तो मिलवाता हूँ मैं आपको अभी। गाइस, फाइनली मिल चुके हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड ये देख सकते हो। सो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे इस साइड से होते हुए एंड फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से, थोड़ा बहुत जो मिल जाएगा वहाँ घूम घाम के, फिर यहाँ से रात को निकलना भी हमें। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लेके जाता है हमें एंड कहाँ कहाँ घुमाता है। तो चलो चलते गाइस। खड़ा है एंड उसके अंदर है भूल भुलैया। सो अभी ये बंद हो चुका है क्योंकि इसका टाइमिंग जो है ओपन होने का, बंद होने का 6 से 6 है, तो ये तो बंद हो चुका है। तो अभी अंदर जाने नहीं दे रहे हमें। सो अभी देखते हैं क्या करना है यहाँ से एंड अगर अंदर जाने तो जाएंगे और फिर हम वापस रिटर्न करेंगे। यहाँ पे ना पुराना इस टाइम देखो, ये जो है ना देख रहा हूँ उस टाइम की रोड अंदर टूट हुई है, यहाँ तक गेट था एंड एक सामने है छोटा भी हमारा उधर सामने। तो अब चलेंगे यहाँ से, धनिया भी बंद हो गया क्योंकि दिन में ओपन रहता है, बंद हो गया है। तो ये देखो ये गेट है गाइस, ये है मेन गेट यहाँ का, यहाँ पे ये चलता रहता है। यहाँ पे अभी भी जो ऐसा लगता है फील आने पे कि हाँ शाही लोगों का बनाया हुआ है, मुगल शासन का बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा मौजूद है इस टाइम भी। तो चलो चलते हैं, मैं आ चुका हूँ भूल भुलैया के नीचे, बट ये बंद हो चुका है बाहर से, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हम बहुत लेट हो गए, 7:30 हो गए। सो ये देख लो, ये है भूल भुलैया लखनऊ का जो बड़े इमामबाड़ा के अंदर में है। तो अगर आप लोग 6 बजे के बाद एंड 6 बजे शाम से पहले आओगे तो ज़रूर आप लोगों को अंदर एंट्री मिल जाएगी। सो गाइस, ये है भूल भुलैया, देखो ये है मेरे सामने नींबू पार्क, ये देखो ये है न्यू पार्क जो कि ये भी बंद हो चुका है क्योंकि ये भी एंट्री अभी आप सब निकाला जा सबको। तो ये भी बहुत अच्छा पार्क है, जब आप लोग आते हो इमाम बाड़ा तो इस पार्क के अंदर भी आके घूमना, 10 रुपये का टिकट मिलता है, तो ज़रूर आके घूमना गाइस। मैं आ गया हूँ अभी छोटा इमाम बाड़ा के पास। सो ये सामने छोटा इमाम बाड़ा है तो इसके अंदर चलेंगे एंड यहाँ पर क्लॉक टावर भी है उस साइड में पीछे, वहाँ क्लॉक टावर पर चलेंगे, लेकिन पहले चलते हैं इसके अंदर एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। गाइस, यहाँ बताते हैं कि हाथ से बनाए हुए कपड़े मिलते हैं लेडीज़ों के, बहुत ही अच्छे अच्छे। सो उसको अगर देखते हैं, अगर मिलता है तो अच्छे से बताऊँगा, दिखाऊँगा आपको। तो पहले चलते हैं इसके अंदर गाइस एंड मैं आपको पूरा अच्छे तरीके दिखाऊँगा, कवर करके अच्छे तरीके बताऊँगा अभी। तो चलो गाइस, पहले अंदर चलते हैं। एंड मैं आपको अंदर दिखाऊँ पूरा, देख सकते हो बहुत ही बड़ा मार्केट लगाएगा यहाँ, बहुत ही बड़ा मार्केट देख सकते हो, बहुत कुछ बिक रहा है यहाँ, खाने पीने का सब चीज़ बहुत कुछ बिक रहा है। सो अभी चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या है यहाँ फेमस एंड आपको सब कुछ दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से। तो चलते हैं अंदर का, पूरा अच्छे दिखाता हूँ। हम अंदर आ चुके हैं गाइस, बहुत ही अच्छा है गाइस, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है गाइस, घूमने घामने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके, पानी में देख सकते हैं आप, बहुत ही मस्त जगह है गाइस। एंड पास ये जो सामने महल है, ये रानी का है अंदर, उनके अंदर यहाँ पे समाधि भी है रानी जी का एंड देखते हो बहुत ही बड़ा महल है गाइस, बहुत ही बड़ा महल है। सो बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे यार एंड मज़ा आ गया आ करके, और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा शांति यहाँ पे है। एंड ये देखो ये फूल है जो राजा रानी टहलने वहलने गए था यहाँ पे, और मेन रानी का जो महल है ये एंड बहुत ही अच्छा लगा यार आ करके। सो अभी घूम घाम के यहाँ से निकल, दरगाह का सही देख सकते हो अंदर मेन दरगाह। बार पेड़ ढक के रख दो, हिंदी में कहते हैं सिंहासन या मौलवी सीट है, बैठ के मजलिस होती है, एक मुहर्रम से 2.25 महीने बैठे और कुरान की तिलावत होती है, लकड़ी पे टोटल 40 हजार, एक ये गृह एक मंदिर जापान का, सबसे बड़ा सफेद वाला इंग्लैंड का, सबसे छोटा हरा काला बर्मा का,
हांडी सब चाइना का। जब मुहर्रम आता ना, इससे एक महीने पहले मेंटेन सामान इस वक्त दूसरे बरस पर। ये लिखा अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का नाम और रामायण होता हूँ या भगवान आजिया सुबरा शेखर बना चिट्ठी का बूता ले आइए। अभी मुहर्रम में टाइम मिले क्योंकि ऐसा सस्ता देखना सबको सामने जी बड़े भाड़े की मस्जिद। ये बादशाह मोहम्मद अली शाह 37 से 43 वर्ष की वादी अली शाह के दादा सफेद अहमद भतीजे, इनको जिस तरह देखो आपकी तरह देखते हैं। जमाने का 3D एक साल के बाद दूसरा आता डायरेक्ट नहीं आता, 30-30 करते हैं। ये दरगाह है, यहाँ दुआ मांगी जाती है, मांग सकते हो तो अपनी तरीके से मांग सकते हो, जैसे मन चाहे पाते पढ़ते दुआ मांग सकते, किसी पे दबस्ती नहीं है। अपने मोहम्मद अली शाह बहादुर शाह मोमबत्ती जी की रोशनी कर रहे थे, दर्जन दोनों इधर मिला। भैया इधर जाओ, जाए करके एक तरफ से इसमें जाओ, बिल्कुल एक तरफ से जाओ, जल्दी ये देखो सुनाइए। इसके अंदर छोटे इमाम बाड़े का डिज़ाइन है, 1000 पीस का बनाया हुआ। ये सब चीज़ें कहाँ तुम देख पाते हैं? ये बादशाह टाइम का था, ये मोहम्मद अली शाह बहादुर साहब का था। बैठे ये मोहम्मद साहब, इनके परेशान पत्थर, ये हाथ की दाँत का बना छोड़ दी 100 साल पुराना, वो 150 बरस सौ 150 वर्ष पुराना कांची, बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें का यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। मैं हम लोगों को दिखा रहा हूँ शांति से, फिर हम लोग बहुत बहुत देख करते हैं। ये पुरानी शरीर लिखा 200 वर्ष पुराना सामान रखा बादशाह जी, ये लकड़ी था 10 साल पहले बना। ये जापानी हाउस है, एक्वेरियम नसीम मानो, ये स्टोर है, मुहर्रम का सामान रखा जाता है। बड़े गेट थे, छोटे गेट पे जो गोल्डन मछली देखी पिक्स, हवा की दिशा बताती दौड़ते थे किन चार पकड़े इधर एक उधर, आसमानी बिजली गिरेगी गेट बच जाएगा, गेट की चैन की चैन के द्वारा जमीन में आरती बता देगी तड़ी चालक के लिए। अच्छा ये जो चीज़ें ना ये सब लगी हुई है, कोई इंग्लैंड का, कोई जापान का, कोई कहीं का, बहुत महंगा महंगा है। उस टाइम ये चांदी के सिक्कों से ख़रीदा गया था और ये उनका दर दोनों लोगों का समाधि है। और राजा साहब का ये है जो उस टाइम पहनते थे सर में ताज उनका। जो भी चीज़ें ना यहाँ पे बहुत ही सब चीज़ बाहर से आई, सारे लोग बाहर के देश से, यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बाहर का है। देखो सब कुछ जितना भी है सारा कुछ बाहर से बहुत ही अच्छा है भाई, यहाँ पर बहुत ही अच्छा से दिखाया गया बताया गया। देख सकते हैं रानी रहती थी एंड यहाँ पे ना भाई जितनी भी चीज़ें सारी कुछ बाहर की है, देश की एक भी नहीं है। एंड ये है राजा साहब उस टाइम में जो थे और यहाँ बैठते थे उनकी, वो चांदी की है पूरी चांदी की। सो ये कुछ था जो कि मैंने आपको दिखाया अंदर से आकर के। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना भाई। सतखंडा इसे देख सकते हो, जैसा कि ये फ्लोर वाइज है तो इसलिए इसे सतखंडा बोला जाता है यहाँ पे। मैंने पूछा था लोगों से तो बता रहे थे सतखंडा इसलिए बोला क्योंकि ये जो फ्लोर है ना इसके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फ्लोर जो है इसलिए इसे सतखंडा बोला जाता है। यहाँ पर सर लाइट यार क्या अमेजिंग लग रहा है गाइस, बहुत ही अमेजिंग। और सामने गाइस क्लॉक टावर है तो मैं उसके पास ही ले चला आपको क्लॉक टावर के पास। एंड इस टाइम तो बंद पड़ा है क्लॉक टावर, बट मैं उसका आपको उसके पास ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं। तालाब है जिसको देख सकते हो, अनगिनत सीढ़ियाँ है गाइस, जीने देख सकते हो कितने सारे जीने हैं चारों तरफ से, बहुत ही ज़्यादा सीने हैं। एंड यहाँ पर ना बहुत लोग बैठे हुए हैं, सो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है। सो ये जो है ना सारा कुछ बहुत ही अच्छा है। एंड सामने क्लॉक टावर है, मैं आपको उसके पास ही ले चलूँगा। ये उस टाइम बनाया गया होगा राजा जो कि अपने फाइनली कुछ इसी अच्छा व्यू देखने के लिए। तो मैं भी चलूँगा आपको रिवर फ्रंट व्यू एंड क्लॉक टावर घुमाऊँगा। तो चलो भाई चलो भाई, मैं आ चुका हूँ अभी क्लॉक टावर के पास बिल्कुल, मैं भी आपको ले चल के क्लॉक टावर दिखाता हूँ अच्छे तरीके से पास से, क्योंकि यहाँ लाइट टी कम है ना। तो भाई ये दोस्तों ये है क्लॉक टावर जो कि फिलहाल में जो है उसमें लगा हुआ जो घड़ी है वो बंद पड़ी है, लेकिन बहुत ही बड़ा है गाइस, बहुत ही बड़ा। सो ये है क्लॉक टावर गाइस, एंड यहाँ से निकल के अब जाएंगे हम लोग फ्रंट व्यू पे। सो ये देख सकते हो कितना बड़ा उस टाइम क्लॉक टावर बनाया गया उस टाइम ना,
जब राजाओं के ज़माने में ये जो सामने घड़ी लगी हुई चलती थी घड़ी, एंड दूर से लोगों को टाइम दिख जाता था वहाँ पे। एंड ये जो है ना, देखो तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लोग आए टाइम स्पेंड करने के लिए, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी है गाइस, देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ भी है आप लोग। सो अभी मैं आपको और पास से लेकर ब्लॉग कार को अच्छे तरीके से और दिखाऊँगा एंड बताऊँगा। तो लगभग हमने और सब तो कवर कर लिया दो तीन जगह जो भी थी, एंड अभी रात भी हो गया है, लगभग 8 बज गए हैं। तो और पास ले चलते हैं, और अच्छे तरीके से आपको दिखाऊँगा। सो गाइस ये देख सकते हो मेरे पीछे है ब्लॉक टावर, जो कि लगभग नहीं 50 फीट से ऊपर है। जहाँ तक अगर कोई पास में आता है तो इसे को अपने सर को ना ऐसे ऊपर करके देखना पड़ेगा। एंड यहाँ का इतना ज़्यादा रस है ना, इतना ज़्यादा रस है क्या बताऊँ मैं आपको। गाइस उस टाइम में नहीं है, उस टाइम में गाइस ये घड़ी लगी है सारे कुछ चलते थे, सारा कुछ चल रहा था, और लोगों को दूर से 2-3 किलोमीटर दूर से लोगों को टाइम दिख जाता था यहाँ पे। सोचे यार उस टाइम जीवन बनाया होगा इतना लंबा, इतना अच्छा अच्छा आर्किटेक्चर क्या बनाया गया ये राजाओं के ज़माने का था। रिवर फ्रंट व्यूज के पास, सो यहाँ से गेट है ये रिवर फ्रंट व्यूज का, एंड जाएंगे इसके अंदर। बहुत ही अच्छा अमेजिंग व्यूज आता है यहाँ से व्यू, तो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ मैं कैसा कैसा व्यू आता है यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं रिवर फ्रंट व्यू के पास, एंड गाइस अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ से। तो अभी मैं आपको चलो दिखाता हूँ अंदर से ये व्यू, तो बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से अंदर अंदर, और चलो बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ही मस्त लगता है जाने में। तो अभी चलेंगे अंदर, मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसा है यहाँ पर और कैसा क्या क्या है रिवर फ्रंट व्यू के पास। सो अभी चलते हैं अंदर। सो रिवर फ्रंट व्यू जो कि देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग व्यू आती है यहाँ पे आने के बाद, यहाँ से बहुत ही अमेजिंग। सो यहाँ आके थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ से। तो भाई यहाँ देख सकते दिखाया था मैं आपको, यहाँ देख तो नाए वाए भी हैं, अगर दिन में कोई आएगा तो उसके लिए है क्या लोग घूम सकते अंदर रिवर के। एंड पानी भी यार थोड़ा सा यहाँ जो है थोड़ा सा गंदा पड़ा है, क्योंकि यहाँ जानते हो ना जहाँ पे यार जहाँ से पास से कहीं शहर से आ रही है नदी वहाँ थोड़ा पानी गंदा था, यहाँ पानी बहुत ही गंदा है। खाला एंड देख सकते हो व्यू, एंड ये जो है ना ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, एक सेकंड। ये जो आप देख सकते हो सामने जो है फ्लाई ओवर, ये राजा के जमाने का बनाया गया है, जो सामने है ये राजा के जमाने का बनाया गया है, और ये अभी बहुत मजबूत है। मैं अभी आ चुका हूँ रिवर फ्रंट व्यू के एक बहुत ही अमेजिंग जगह पे। यहाँ पता नहीं यार कौन सी मूवी शूट हुई थी, बता रहे थे मेरे फ्रेंड जो पहले आ चुके हैं, क्योंकि दो लोग तो बता रहे थे कोई मूवी शूट हुई थी यहाँ पे। सो गाइस ये है भगवान की मूर्ति, एंड गाइस ये देखो बहुत ही अमेजिंग व्यू, बहुत ही अमेजिंग व्यू। सो अभी हम यहाँ पे गाइस थोड़ा फोटो वोटो क्लिक करेंगे, एंड थोड़ा देर बैठेंगे, क्योंकि माइंड जो है ना यहाँ आके बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो अगर आप लोग आते हो गाइस अगर लखनऊ घूमे तो 2-3 जगह जरूर विजिट करा, जो भी आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ें जरूर आप लोग यहाँ पे आके विजिट करा, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। एंड गाइस मेरे 2-3 चीज़ छूट भी जाएंगी, क्योंकि मुझे निकलना है आज प्रयागराज के लिए आज ही, तो 2-3 चीज़ मैंने यहाँ, बट नेक्स्ट टाइम जरूर तो वो भी मैं आप सबको कवर करूँगा और दिखाऊँगा, क्योंकि अम्बेडकर पार्क है एंड और भी 2-3 पार्क है जो बहुत ही अच्छे अच्छे पार्क है। सो अभी हम थोड़ा देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं करता हूँ। सो बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा है प्लीज़ लाइक कर देना, एंड कमेंट करना, एंड शेयर करना गाइज, और गाइज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ताकि मेरा कोई भी नया ब्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय, सी यू सून।